तो कहानी की शुरुआत में दो भाइयों को दिखाया जाता है जिसका नाम सैम और नेथन है, और वो दोनों के दोनों एक म्यूजियम के अंदर जाते हैं जहां पर ये एक बहुत पुराने मैप को चोरी करने की कोशिश करते हैं। और ये मैप आज से कई सौ साल पहले समुन्दर में यात्रा करने वाले उन नाविकों ने बनाया था जो कई सालों तक समुन्दर में यात्रा करते रहे। लेकिन ये दोनों भाई इस मैप को चोरी नहीं कर पाते क्योंकि यहां पर पुलिस आ जाती है और इन दोनों को उनके अनाथ आश्रम ले आती है। दरअसल इन दोनों का इस दुनिया में कोई भी नहीं है और ये दोनों अनाथ है। और अब जो अनाथ आश्रम की हेड होती है वो पुलिस ऑफिसर को बताती है कि सैम ने पहले भी तीन बार इस मैप को चोरी करने की कोशिश की थी, इसीलिए अब इसे माफ नहीं किया जा सकता, तुम्हें इसे अपने साथ ले जाना चाहिए। फिर सैम कहता है कि मैं अपने रूम में अपना सामान लेने के लिए जाता हूँ। और जब वो अपने रूम में आता है तो वो अपने भाई से कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन एक दिन मैं तुमसे जरूर मिलूंगा। और वो जाने से पहले अपने भाई को एक कोरा कागज, लाइटर और अपने गले में जो रिंग थी वो देता है और कहता है कि तुम इस रिंग को देखकर हमेशा एक बात याद रखना कि तुम किस खानदान से बिलोंग करते हो। फिर सैम यहाँ से चला जाता है। फिर उसका भाई नेथन, जिसे उसने कोरा कागज और एक लाइटर भी दिया था, वो लाइटर की रोशनी को वो उस कोरे कागज पे डालता है और उसमें लिखा होता है कि कभी मत भूलना तुम एक ड्रैग हो। दरअसल नेथन का पूरा नाम नेथन ड्रैग है और वो ड्रैग खानदान से बिलोंग करता है और उनके जो पूर्वज हुआ करते थे वो भी समुद्री यात्री थे। फिर सैम के जाने के 15 साल बाद हमें नेथन को दिखाया जाता है जो न्यूयॉर्क सिटी में एक बार टेंडर का काम करता है और साथ ही वो छोटी मोटी चोरियां भी करता है। और एक दिन उसके बार में विक्टर नाम का आदमी आता है और वो नेथन को बताता है कि मैं तुम्हारे भाई के साथ मिलकर बहुत बड़े काम किया करता था और मैं एक ट्रेजर हंटर हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मिलकर काम करो। लेकिन नेथन उसके साथ काम करने से मना कर देता है। फिर विक्टर उसे अपना कार्ड देता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन नेथन उसके बड़े भाई को ढूंढना चाहता है जिसे उसने 15 सालों से नहीं देखा। हालांकि नेथन के बड़े भाई सैम ने उसे कई बार पोस्ट कार्ड भी भेजे हैं, लेकिन उसे नहीं पता कि उसका बड़ा भाई कहां पर है, इसीलिए वो विक्टर के घर जाता है। और जब वो विक्टर के घर जाता है तो वो दीवार पे उसी मैप को देखता है जिसे चुराने के लिए वो अपने भाई के साथ म्यूजियम में गया था। और फिर विक्टर यहाँ पे आ जाता है और उसे बताता है कि ये कोई आम मैप नहीं है बल्कि एक खजाने का मैप है जिसे ढूंढने के लिए कई लोगों की जान चली गई है। और उसके बाद वो उसे मैगजीन में एक शिप का फोटो दिखाता है और बताता है कि ये शिप कई सौ साल पुराना है और इस शिप की कीमत आज 500 करोड़ रुपए है और इस शिप के अंदर बहुत सारा खजाना है और 18 लोगों ने मिलकर इस शिप को कहीं पे छुपा दिया है और ये वही खजाना है जिसे तुम्हारा भाई भी ढूंढना चाहता था। हालांकि नेथन इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता, लेकिन विक्टर कहता है कि अगर तुम अपने भाई को ढूंढना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ इस सफर पे चलना होगा। और अब नेथन उसके बड़े भाई को ढूंढने के लिए उसकी बात मान जाता है। फिर उसके बाद विक्टर उसे एक क्रॉस की फोटो दिखाता है और जब नेथन उसे देखता है तो वो कहता है कि ये कोई क्रॉस नहीं है बल्कि ये एक चाबी है और इस चाबी को हमें हासिल करना होगा। विक्टर बताता है कि ऐसी दो चाबियां हैं जिनमें से एक मेरे पास है और एक ऑक्शन में है जहां से हमें उस चाबी को चुराना होगा। फिर ये दोनों के दोनों उस ऑक्शन में जाते हैं जहां से वो चाबी को चुरा लेते हैं और अब इनका सामना होता है सैंटियागो से। दरअसल सैंटियागो उस खानदान का वंशज है जिस खानदान ने आज से कई सौ साल पहले उन समुद्री बेड़ को फंडिंग की थी जिसके अंदर बहुत सारा खजाना है और अब वो किसी भी तरह से चाबी को हासिल करके उस खजाने को अपने कब्जे में लेना चाहता है। फिर विक्टर वहाँ से निकल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर सैंटियागो की एक किलर जिसका नाम ब्रेडॉग है वो विक्टर की गर्दन पर एक चाकू रख देती है और इससे पहले कि विक्टर उसे चाबी देता वहाँ पर सिक्योरिटी आ जाती है और उनके बीच फाइट होना शुरू हो जाती है और इस बात का फायदा उठाकर विक्टर और नेथन वहाँ से चाबी उठाकर निकल जाते हैं। फिर वो पहुँच जाते हैं बार्सोलिना स्पेन में जहाँ पर इसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम फ्रेजर है जो विक्टर के साथ मिलकर पहले काम किया करती थी। और नेथन को पता चलता है कि दूसरी चाबी विक्टर के पास नहीं बल्कि फ्रेजर के पास है, इसलिए वो विक्टर से कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा। फिर फ्रेजर कहती है कि तुम इसको नहीं जानते। फिर वो दूसरी चाबी भी लेकर यहाँ से भाग जाती है लेकिन नेथन किसी तरह से उसे पकड़ लेता है जिसके बाद विक्टर कहता है कि बिना नेथन के हम खजाने तक नहीं पहुँच सकते, इसलिए तुम्हें हमारे साथ रहना होगा। और अब फ्रेजर उसकी बात मान जाती है। दरअसल विक्टर और नेथन का बड़ा भाई सैम, इन दोनों ने मिलकर एक डायरी की चोरी की थी जिसके बाद नेथन का भाई सैम गायब हो गया था और अब वो डायरी की मदद से एक बहुत पुराने चर्च में पहुंच जाते हैं
और जब वो उसके बेसमेंट तय खाने में जाते हैं, तो उन्हें वहाँ पर एक जगह मिल जाती है जहाँ पर उस क्रॉस में उस चाबी को लगाया जा सकता है। और जब वो चाबी लगाकर घुमाते हैं, तो अंदर से तीर निकलते हैं। और इनकी किस्मत अच्छी होती है कि वो तीर उन्हें नहीं लगते। और अब वो चाबी को एक दूसरी तरफ घुमाते हैं, जिसकी मदद से वहाँ पर एक दरवाजा खुल जाता है, जहाँ पर वो देखते हैं कि नीचे एक बहुत पुराना तय खाना है, जहाँ पर दो अलग अलग रास्ते हैं। और अब ये लोग तय करते हैं कि ये लोग अलग अलग जाएंगे। एक रास्ते में नेथन और फ्रीजर जाते हैं, और विक्टर दूसरे रास्ते से अकेला जाएगा। लेकिन जाने से पहले वो दोनों अपने मोबाइल को जीपीएस से कनेक्ट कर लेते हैं, जिससे इन दोनों को एक दूसरे की लोकेशन का पता चलता रहे। और अब ये दोनों अलग अलग आगे बढ़ते हैं। फिर नेथन और फ्रीजर एक क्लब तक पहुंच जाते हैं। दरअसल किसी को नहीं पता कि ये रास्ता क्लब जाता है, और वो क्लब में देखते हैं कि वहाँ पर चाबी लगाने का और एक स्लॉट है। लेकिन तभी सैंटियागो के लोग इन दोनों के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन किसी तरह से वो खुफिया कमरे को खोलकर वो अंदर चले जाते हैं। और वहाँ जाने के बाद वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर और एक तीसरा दरवाजा भी है। फिर फ्रेजर उस पर चाबी लगाकर घुमाती है, और तभी वहाँ पर पानी भरना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो दरवाजा ऊपर फाउंटेन से जुड़ा हुआ होता है। और इस दरवाजे को खोलने से पहले उन्हें एक और दरवाजा खोलना था, जिस दरवाजे के पास अब वो विक्टर है। विक्टर वो दरवाजे के पास पहुंच जाता है, लेकिन तभी वहां पर सैंटियागो की वो किलर जिसने पहले भी विक्टर पे हमला किया था, वो वहां पर पहुंच जाती है। वो एक बार फिर से विक्टर के ऊपर हमला कर देती है। वहीं हमें नेथन और फ्रेजर को दिखाया जाता है, जो पानी के अंदर डूब रहे होते हैं। और जल्द ही अगर विक्टर ने दरवाजा नहीं खोला तो वो दोनों की मृत्यु हो जाएगी। फिर विक्टर वो किलर को बेहोश करके वो दरवाजा खोल देता है, जिससे वो दोनों की जान बच जाती है। जिसके बाद नेथन और फ्रीजर दरवाजे से ऊपर आ जाते हैं, जहां पर वो विक्टर को देखते हैं, जो अभी उन कैबिन के बाहर जाली से उन्हें देख रहा होता है। वो विक्टर से दूसरी चाबी मांगते हैं, क्योंकि इनके सामने और एक दरवाजा होता है, जो कि चौथा दरवाजा होता है। हालांकि विक्टर उसे चाबी देना नहीं चाहता, लेकिन इसके पास उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वो चाबी दे देता है। और अब चाबी नेथन के पास है, और नेथन देखता है कि उस दरवाजे पर चाबी का एक निशान है, और वो दोनों चाबियों को जोड़कर उसी लॉक पर लगाता है और उसे घुमाता है, तो वो दरवाजा खुल जाता है। अब ये दोनों के दोनों अंदर जाते हैं, और वहाँ पर तीन बहुत बड़े बड़े पॉट्स होते हैं। उन्हें लगता है कि खजाना इस पॉट के अंदर है, लेकिन जब फ्रेजर उसके अंदर देखती है तो उसमें नमक के अलावा और कुछ भी नहीं होता। ये निराश हो जाते हैं, और तभी वो पॉट्स अपने आप ही टूट जाता है, जिसमें वहाँ पे नक्शा होता है। और तब उन लोग को पता चलता है कि खजाने का असली नक्शा तो ये है, और इन नक्शे के मुताबिक इन लोगों को फिलीपींस जाना होगा। लेकिन यहाँ पर फ्रेजर नेथन को धोखा देती है, वो उसके ऊपर गन पॉइंट कर लेती है, और नेथन को बेहोश करके वो दोनों चाबी और नक्शा लेकर यहाँ से निकल जाती है। अब विक्टर भी अंदर आ जाता है, और वो देखता है कि नेथन वहाँ पर बेहोश पड़ा है। और नेथन होश में आने के बाद सबसे पहले विक्टर को पूछता है कि मेरा भाई कहाँ है, क्योंकि फ्रेजर के जाने से पहले उसने कहा था कि विक्टर तुम्हारे भाई के बारे में कुछ सच छुपा रहा है। और अब विक्टर बताता है कि जब मैं और तुम्हारा भाई डायरी को चुराने के लिए गए थे, जिस डायरी की मदद से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो सैंटियागो की वो किलर जिसने दो बार मुझ पे हमला किया था, जिसका नाम ब्रेडॉग है, और उस हमले में तुम्हारे भाई की मृत्यु हो गई थी, लेकिन मैं वहाँ से किसी तरह से बच के निकल गया था। और अपने भाई की मृत्यु की खबर सुनकर नेथन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। विक्टर उसे कहता है कि तुम्हारा भाई हमेशा चाहता था कि तुम उस खजाने को ढूंढो, और तुम्हें अपने भाई की आखिरी इच्छा को जरूर पूरा करना चाहिए। नेथन उससे कहता है कि मैं अपने भाई के लिए उस खजाने को जरूर ढूंढूंगा, लेकिन उसके बाद तुम्हारा और मेरा रास्ता हमेशा के लिए अलग हो जाएगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं पर फ्रेजर को दिखाया जाता है, जो सैंटियागो के पास जाती है, जिसकी किलर भी वहां पर होती है, जिसका नाम ब्रेडॉग है, जिसने नेथन के भाई सैम को मारा है। और यहां पे हमें पता चलता है कि फ्रेजर सैंटियागो के लिए काम करती थी। वो उसे नक्शा दिखाती है, और वो तीनों के तीनों तय करते हैं कि वो अपनी पूरी टीम के साथ वो खजाने तक जाएंगे, और उसके बाद कार्गो प्लेन में अपनी सभी जरूरत की चीजें लेकर वो फिलीपींस के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में सैंटियागो ब्रेडॉग और फ्रेजर को बताता है कि जिस खजाने की तलाश में हम लोग जा रहे हैं, दरअसल ये मेरे पूर्वजों का है और इस पे मेरा पूरा अधिकार है। और तभी ब्रेडॉग उसे जान से मार देती है, ताकि पूरी पावर उसके पास आ जाए और खजाना भी उसका हो जाए। तभी फ्रेजर यहाँ से निकलकर छुप जाती है, क्योंकि उसे पता है कि ब्रेडॉग उसे भी मार देगी। और वही हमें कार्गो के लगेज डिपार्टमेंट को दिखाया जाता है, जिसमें गाड़ी के अंदर छुपकर नेथन और विक्टर भी इस कार्गो प्लेन में आ गए थे। और अब ब्रेडॉग अपने साथियों से मिलकर फ्रेजर को मारने के लिए ढूंढ रही होती है, तो उसी मौके का फायदा उठाकर नेथन और विक्टर वो मैप को वापस हासिल कर लेते हैं, और उसके बाद वो यहाँ से पैराशूट से कूदने की तैयारी करते हैं।
विक्टर तो यहाँ से पैराशूट से कूद जाता है, लेकिन नेथन वहाँ पे नहीं कूदता क्योंकि ब्रैडडॉग ने उसके भाई सैम को मारा था और वो उसका बदला भी लेना चाहता है। यहाँ पे ब्रैडडॉग का जितना भी सारा सामान होता है वो सारे के सारे लगेज को एक पैराशूट से अटैच कर देता है और उसके बाद वो सारे सामान को नीचे गिरा देता है। वो ब्रैडडॉग को यहाँ पर मारना चाहता है, लेकिन यहाँ पर एक गाड़ी में फ्रेजर भी छुपी होती है जो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है और सीधा नेथन के साथ टकराती है। नेथन भी फ्रेजर और गाड़ी के साथ नीचे प्लेन से गिर जाता है। फिर फ्रेजर नेथन से कहती है कि जल्दी से पैराशूट खोलो, लेकिन नेथन के पास कोई भी पैराशूट नहीं होता और तभी वो दोनों हवा में लगेज की तरफ जंप मारते हैं और जल्दी वो लगेज तक पहुंच जाते हैं जिसमें एक पैराशूट होता है। फिर नेथन वो पैराशूट को खोल लेता है और वो दोनों के दोनों सुरक्षित पानी में लैंड कर जाते हैं। दरअसल ये लोग फिलीपींस पहुंच चुके हैं, उसी जगह जहां पर वो खजाना है। फिर वहां पर वो रात को एक होटल के अंदर स्टे करते हैं, जहां मैप देखने के बाद फ्रेजर को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि खजाने की असली लोकेशन कहां पर है। दरअसल इसमें बहुत सारे कोड्स होते हैं जिसे समझने के बाद वो खजाने की असली लोकेशन तक पहुंच सकते हैं। फ्रेजर को वहां पे कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए वो सो जाती है, लेकिन नेथन पूरी रात वो कोड्स को सुलझाता है। दरअसल इसके भाई ने इन बीते हुए दिनों में उसको बहुत सारे खत भेजे होते हैं और इन कार्ड्स में उन क्लू को समझने के तरीके थे, जिसे समझने के बाद वो एक लोकेशन को नोट करता है और वही खजाने की लोकेशन होती है। और जब फ्रेजर सुबह उठती है तो वो देखती है कि नेथन ने एक कागज के ऊपर वो लोकेशन को लिखा होता है और वो समझ जाती है कि यही खजाने की असली लोकेशन है और वो एक बार उसे वापस धोखा देकर वो लोकेशन को लेकर यहाँ से निकल जाती है। और नेथन जब सुबह उठता है तो वो देखता है कि फ्रेजर वापस उसे एक बार धोखा देकर यहाँ से भाग चुकी है, पर ये बात उसे पहले से पता थी, इसीलिए जानबूझकर उसने कागज के ऊपर गलत लोकेशन लिखी थी और सही लोकेशन उसने छुपा दी थी। और अब वो सही लोकेशन पर पहुंचने के लिए निकल पड़ता है जो एक आइलैंड पर होती है। फिर यहाँ पर ब्रैडडॉग को दिखाया जाता है जो उसे दूरबीन से देख रही होती है और जल्द ही नेथन उस आइलैंड पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसे वो बड़े बड़े सीप मिलते हैं और ये वही सीप है जिसके अंदर खजाना है जो आज से कई सौ साल पहले गायब हो चुके थे। और जब वो सीप में जाता है तो उसके अंदर सच में खजाना होता है। और अब यहाँ पर विक्टर भी आ जाता है और उसे देखकर नेथन वहाँ पर हैरान हो जाता है। वो पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। फिर विक्टर बताता है कि तुम शायद भूल गए कि तुमने मेरे मोबाइल को अपने जीपीएस के लोकेशन से कनेक्ट किया था, इसीलिए मुझे हमेशा पता था कि तुम कहाँ पर हो। और अब ब्रैडडॉग भी वहाँ पर अपने लोगों के साथ पहुँच जाती है और ब्रैडडॉग और उसके आदमियों को देखकर वो दोनों वहाँ पर ही छुप जाते हैं क्योंकि ब्रैडडॉग और उसके लोगों के पास हथियार भी थे। ब्रैडडॉग को पता है कि ये जो सीप्स है इसकी कीमत करोड़ों में है, इसीलिए इनके पास जो हेली कैरियर होते हैं उसकी मदद से वो सीप को हवा में उठा लेती है। और अब विक्टर और नेथन दोनों के दोनों बाहर आ जाते हैं और सीप में जितने भी ब्रैडडॉग के आदमी होते हैं उन सबको ऊपर से नीचे गिराकर हेली कैरियर पे अपना कब्जा कर उसे हाईजेक कर लेते हैं। और जब ब्रैडडॉग देखती है तो वो दूसरे सीप से इसके ऊपर हमला करती है। वो हेली कैरियर को विक्टर के सीप के पास लाती है और उनके जितने भी लोग होते हैं वो इन सीप में आ जाते हैं। वो नेथन के ऊपर हमला कर देता है और नेथन भी उसका मुकाबला करता है। विक्टर हेली कैरियर को चला रहा होता है और अब नेथन देखता है कि सामने से ब्रैडडॉग का सीप यानी कि उसका हेली कैरियर उसी की तरफ आ रहा है। और यहाँ पुराने सीप में एक पुरानी टोप भी होती है और वो उस टोप से उसके हेली कैरियर पे हमला करता है, जिसकी वजह से वो हेली कैरियर और वो सीप एक चट्टान से टकराता है। पर इससे पहले कि ब्रैडडॉग उसी के साथ खत्म हो जाती वो नेथन के सीप में आ जाती है और वो नेथन से कहती है कि जो मुझे नहीं मिला वो मैं तुम्हें भी हासिल नहीं करने दूंगी। और सीप का जो एंकर होता है वो नीचे समुन्द्र में फेंक देती है, जिससे सीप और हेली कैरियर जिसे विक्टर चला रहा होता है वो दोनों के दोनों वहीं पर रुक जाते हैं। और उसके बाद ब्रैडडॉग और नेथन की फाइट होना शुरू हो जाती है, लेकिन ब्रैडडॉग एक खूंखार शिकारी है इसीलिए नेथन अपनी जान बचाने के लिए जंजे से ऊपर हेली कैरियर की तरफ चढ़ना शुरू कर देता है और ब्रैडडॉग भी उसके पीछे आने लगती है। फिर वहां पर ऊपर विक्टर के पास एक सोने से भरा बैग होता है और वो जानता है कि उसे ब्रैडडॉग से पीछा छुड़ाना है तो उसे किसी भी तरह से नीचे गिराना होगा, इसीलिए वो सोने से भरा बैग उसके ऊपर फेंक कर मारता है, जिससे सोने से भरे बैग के साथ साथ ब्रैडडॉग भी वहाँ समुन्द्र में गिर जाती है। और ठीक उसी समय हेली कैरियर के साथ जो सिप बंधा होता है वो भी नीचे समुन्द्र में गिर जाता है और वो सीधा ब्रैडडॉग के ऊपर गिरता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। पर इससे पहले कि वो दोबारा सिप को अपने कब्जे में लेते हैं वो देखते हैं कि फिलीपींस की नेवी यहाँ पर आ रही है और वो समझ जाते हैं कि उसे यहाँ से निकलना होगा। विक्टर बहुत ही ज्यादा दुखी होता है और तभी नेथन उसे दिखाता है कि उसके पास अब भी कोई गोल्ड है जो छुपा कर वो अपने साथ ले आया था।
और तभी हमें फ्रेजर को समुन्द्र में दिखाया जाता है जो इन दोनों का पीछा कर रही होती है, जिसे नेथन ने बेवकूफ बना दिया था और वो अब किसी भी तरह से इन दोनों की तरफ पहुंचना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ हमें जेल में नेथन के भाई सैम को दिखाया जाता है जो अब भी जिंदा होता है और वो उस जेल से अपने भाई नेथन के लिए एक पोस्टकार्ड लिख रहा होता है जिसमें वो लिखता है कि तुम्हारे आसपास जितने भी लोग हैं तुम्हें उससे सावधान रहना होगा। फिर इस फिल्म के पोस्ट एडिट सीन में हमें नेथन को दिखाया जाता है जो एक बार में जाता है, वहाँ पर वो एक आदमी से मिलता है। नेथन के पास एक रिंग होती है जो कभी उसके बड़े भाई ने उसे दी थी। वो आदमी उससे उस रिंग का सौदा करता है जिसके बदले वो नेथन को नाजी मैप देने का वादा करता है, पर ये आदमी नेथन को डबल क्रॉस करना चाहता है और इससे पहले कि नेथन को डबल क्रॉस करता वहाँ पर विक्टर आ जाता है। वो नेथन को बचा लेता है और वो दोनों के दोनों बार से निकल जाते हैं और तभी इन्हें पकड़ लिया जाता है और इन दोनों को किसने पकड़ा, कैसे पकड़ा, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहाँ पे खत्म हो जाती है। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं एक ऐसी नई एक्सप्लेनेशन मूवी के अंदर, तब तक आप हमारे दूसरे वीडियो भी जाकर देख सकते हैं।